स्टूडेंट्स आई एम साक्षी गुप्ता एंड हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे आपको यातायात के साधन दिख रहे हैं जैसे कार प्लेन हेलीकॉप्टर मोटर बाइक बाइसिकल वैन बस टैक्सी लॉरी बोट एम्बुलेंस रॉकेट ट्रेन ट्रैक्टर फायर इंजन तो स्टूडेंट्स जब भी हम एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना होता है अगर हमें पास जाना है तो हम लोग पैदल चले जाते हैं या फिर हम लोग रन कर कर भाग कर चले जाते हैं वॉक कर कर चले जाते हैं बट इन केस हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और वो जगह थोड़ी सी दूर होती है तो आप लोग क्या करते हो बाइसिकल का यूज कर लेते हो आपके पेरेंट्स हैं मोटर बाइक का यूज कर लेते हैं कार का यूज कर लेते हैं ठीक है ऐसे व्हीकल्स यूज करते हैं एंड इन केस अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना होता है तब आप लोग क्या करते हो ट्रेन का यूज करते हो बस का यूज करते हो टैक्सी का यूज करते हो कार्स का यूज करते हो आप तब इन सब व्हीकल्स का यूज करते हो ठीक है तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट और सिर्फ हम मनुष्य को ह्यूमन बींग्स को ही नहीं जब हमें सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तब भी इन साधनों का प्रयोग किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स तो हमारी सेकंड है अब हम सेकंड uh, स्लाइड पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना इज द मूवमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस मतलब सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं इसका क्या अर्थ है मूवमेंट मतलब चलना लोगों का या फिर चीजों का एक जगह फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का या चीजों का जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है ठीक है जिसको हम परिवहन भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट अब बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि हमारे टॉपिक uh, है जो कि हमारा टॉपिक है आज का उसका क्या मतलब होता है इट रेफर्स टू डिफरेंट वेस वेस मतलब तरीके ये क्या कह रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग तरीके के तरीके हैं जिसके द्वारा बाय व्हिच गुड्स गुड्स का मतलब होता है एक गुड तो होता है वेरी गुड टीचर आपको बोलते हैं कि वाओ शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया ये गुड है हमारा सामान जब हम जी डबल ओ डी लिखते हैं उसका मतलब होता है शाबाशी देना गुड अच्छा काम किया तुमने जब हम जी डबल ओ डी के साथ एक एस लगा देते हैं एस जुड़ जाता है जब इसके साथ तब उसका मतलब होता है आ, सामान ठीक है सामान गुड्स और पीपल जब ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं जिसके द्वारा गुड्स मतलब सामान या फिर पीपल पीपल मतलब लोग लोगों को हम ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना शिफ्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एन अदर थ्रू लैंड एयर और सी लैंड मतलब धरती एयर मतलब हवा सी मतलब समुद्र के द्वारा जब हम अलग अलग तरीकों से सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं जिस, तो इस प्रोसेस को ये जो चीज है ये क्या है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके ने हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट वे का यूज करते हैं ठीक है अब आपको ट्रांसपोर्ट का मतलब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्ट अब हम बात करते हैं अब हम उन साधनों की बात करते हैं जिन जिन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह सामान या लोगों को पहुंचाते हैं तो देर आर थ्री मेन थ्री तीन मेन हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं दे आर जैसे कि पहला है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो कि धरती पर चलते हैं उनको बोलते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट ठीक है वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि पानी के अंदर या पानी के ऊपर चलते हैं उनको बोलते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट जो कि हवा में चलते हैं हवा के द्वारा जो लोग जो परिवहन हवा में उड़कर गुड्स को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट ठीक है तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की लैंड ट्रांसपोर्ट ठीक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या लैंड ट्रांसपोर्ट एक ठीक है दैट मूव ऑन लैंड जो कि धरती पर चलते हैं दैट मूव ऑन लैंड ओनली सिर्फ जो धरती पर चलते हैं उनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड ओनली आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट ठीक है तो इसके उदाहरण देखते हैं अब हम बस स्कूल बस होती है हमारी किस पर रोड पे चलती है वो तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण बस कार साइकिल ट्रेन ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ट्रक ऑटो रिक्शा बुलो कार्ड ये भी इसके उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि ये सब भी किस पे चलते हैं लैंड पे ही चलते हैं ठीक है तो अब हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं ठीक है जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो काइंड के होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड मतलब आगे इसके दो भाग होते हैं जैसे रेल और रोड रेल ट्रांसपोर्ट रेल मतलब पटरी पटरी पे क्या चलती है हमारी ट्रेन तो जो ट्रेन जो होती है वो होती उसमें आ गया ये रेल में आ गया रोड मतलब जो हमारे सड़क पे चलते हैं वो हो गए रोड ट्रांसपोर्ट अब इन दोनों में क्या फर्क होता है ठीक है देखो जो हमारा रेलवे है रेल पे चलती है जो ट्रेन है हमारी वो इट चीपर वो सस्ती होती है अगर अगर इन इन केस ऑफ गुड्स लॉन्ग हमें काफी मतलब सबसे पहले तो ये सस्ती है अगर हमें गुड्स को एक लॉन्ग मतलब लंबे डिस्टेंस पे काफी दूर लेकर जाना गुड्स को भारी सामान को तब हमें वो बहुत सस्ती पड़ती है कौन ट्रेन रेलवेज लेकिन जो रोड है रोड हमें सस्ती पड़ती है सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हमें जैसे अगर आपको कहीं भी थोड़ी पास जाना होता है तो आप लोग क्या करते हो ऑटो रिक्शा का यूज करते हो ठीक है या आप अपने एक्टिव स्कूटर्स इन सब कार्स इन सब चीज़ों का यूज करते हो तो ये हमें छोटे डिस्टेंस के में सस्ती पड़ती है अगर हमें थोड़ी ही दूर जाना है तो हमें ये सस्ती पड़ती है नेक्स्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट वर्क कॉस्टलियर नेक्स्ट है ये अगर हमें छोटे डिस्टेंस पे अगर ट्रेन में जाना है तो ये हमें महंगा पड़ेगा लेकिन अगर हमें छोटे डिस्टेंस पे रोड पे जाना है तो ये हमें सस्ता पड़ेगा देखो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में नेक्स्ट है जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है स्पीडी फास्ट होता है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है फास्ट होता है रेलवे से ठीक है क्योंकि रेलवे की स्पीड क्या होती है स्लो होती है नेक्स्ट एज कम्पेयर टू रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट स्पीड इसकी मूवमेंट मैंने अभी आपको बताई स्लो होती है और इसकी फास्ट होती है मेंटेनेंस लो इसको ईजीली हम इसकी मेंटेनेंस केयर होती है जो हम इसके आराम से कर सकते हैं रेलवे की इजी नहीं होती तो ये थे इसके फर्क तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स ओनली ऑन वाटर आर कोल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसे साधन जो सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर चले या पानी के अंदर चले उनको बोलते हैं हम वॉटर ट्रांसपोर्ट ठीक है जैसे कि शिप है शिप आ, ये देखो आप कितनी बड़ी शिप है ये बोट हो गई छोटी बोट होती है सबमरीन होती है हमारी पंडुबी पंडुबी हमारी पानी के अंदर भी चलती है और ऊपर भी दोनों जगह चल सकती है ये होता है हमारा यॉट यॉट क्या होता है ये जस्ट एक प्लेजर के लिए इस लोग इसमें ट्रेवल करते हैं ये बोट टाइप ही होता है एक ठीक है तो ये सब चीजें अब इनका यूज क्या होता है जो भारी भारी सामान होता है ना वो सब वगैरह पे लोड होकर आता है तो अब हम वॉटर ट्रांसपोर्ट मेन फीचर्स की क्या है क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है सस्ता है चीपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सस्ता है पहली बात ठीक है मोस्ट सुटेबल फॉर हैवी एंड फ्रिग प्रोडक्ट्स फ्रिगल होते हैं नाजुक जो हमारे भारी भारी और जो इजिली ब्रोक हो जाते हैं मतलब टूटने वाले वैसे वैसे जो प्रोडक्ट चीजें होती हैं उनको हम ईजिली शिप्स वगैरह में डालकर ला सकते हैं ठीक है तो ये हमारा भारी भारी सामानों के लिए यूजफुल है नेक्स्ट है इसकी स्पीड स्लो होती है अब आप कहोगे कि मैम इसकी स्पीड स्लो है फिर इसका यूज क्यों करते हैं क्योंकि देखो इसकी स्पीड स्लो है लेकिन इसकी बाकी एडवांटेजेस देखो आप ये सस्ता भी है और साथ साथ इसमें भारी और जो फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स नाजुक चीज होती है वो हम बहुत आसानी से ला सकते हैं जैसे हम और ट्रांसपोर्ट का यूज करके भी ला सकते हैं बट सबसे ज्यादा सामान जो होता है वो हमारा शिप्स कैरी करती हैं क्योंकि उसमें जो क्योंकि जब हम शिप से में सामान स्टोर करते हैं तो वो बल्क में खरीदते हैं जैसे बहुत सारा सामान खरीदते हैं और जब हम बहुत सारा सामान लाते हैं ना तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है उसका उतना ही कम हमें पे करना पड़ता है तो जब हमें हमारे पैसे कितने सारे बच गए ऊपर से ये चीपर भी है ठीक है और नाजुक चीजों के लिए आ, सेफ भी है तो हम इसलिए इसका यूज ज्यादा करते हैं नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट मूव इन द एयर ओनली जो कहां पे मूव करता है इन द एयर हवा में हवा में उड़ने वाले परिवहनों को हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं जैसे एरोप्लेन सबने देखा है एयरप्लेन आप देखते हो गए स्काई में एयरप्लेन को देखते हो हेलीकॉप्टर ठीक है हॉट एयर बलून इसमें भी यहां लोग वो करके मतलब हवा में हवा के सैर करते हैं इसको इसमें इस इधर इस से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए हॉट एयर बलून को भी यूज़ करते हैं तो अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स देखो जो हमारा एयरप्लेन है अगर हम एयरप्लेन से जाएं तो ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्या है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि मतलब हम जब अगर हम एर, उससे ट्रेवल करते हैं हवा से जाते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं ठीक है पहली बात तो ये होगी सेकंड है अब हम बहुत जल्दी पहुंच तो रहे हैं लेकिन ये क्या है कॉस्टलियर है महंगा साधन है अब हमें इसको जाने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं मतलब हमें ये महंगा साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय कम लगता है लेकिन महंगा है नेक्स्ट है इट कैन लोड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स साथ साथ हम इसमें बहुत कम सामान ही लेकर जा सकते हैं ये बहुत ज्यादा सामान ही लेकर जा सकता अपने साथ ये कम ही सामान लेकर जा सकता है जैसे हमने बात की थी शिप है शिप में बेशक टाइम लगता है स्लो है वो लेकिन उसमें हम बहुत सारा सामान इकट्ठा लेकर जा सकते हैं लेकिन इसमें ये महंगा भी है और इसमें सामान भी कम लेके जा सकते हैं बस इसका क्या फायदा है ये तेज है फास्टेस्ट है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा तो अब आई होप कि आप सबको ये लैंड एयर वाटर ट्रांसपोर्ट तीनों समझ में आ गए होंगे इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूं एक बार लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पर चलते हैं जिसमें हमारे दो काइंड जाते हैं रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट में हमारी ट्रेन आती है रेल ट्रांसपोर्ट मतलब जो पटरियों पे चलती है ट्रेन रोड ट्रांसपोर्ट जो लैंड पर हर जगह जहां मर्जी लैंड पर जा सकती है कार रिक्शा स्कूटर बाइक बुलोकार एक्सेट्रो ये सारे हो गए लैंड ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि पानी के ऊपर या पानी के अंदर चलते हैं उनको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट ठीक है जैसे कि सबमरी होगी शिप बोट हो गया ठीक है ये सब हो गए हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा चीपर होता है ठीक है हैवी गुड्स को वो इजीली स्टोर कर सकता है फ्रिगाइल प्रोडक्ट्स को रख सकता है इजीली ठीक है स्लो बेशक होता है बट चीपर uh, होता है नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर में एयर में जो ट्रांसपोर्ट्स चलते हैं उनको बोलते हैं हम एयर में जो परिवहन चलते हैं उनको बोलते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट इसके एग्जाम्पल्स हो गए एयरप्लेन हेलीकॉप्टर ठीक है ये हमारा कॉस्टलीअर होता है स्मॉल गुड्स ही रख सकता है अपने अंदर और ये स्पीडेस्ट स्पीडी स्पीडी होता है मतलब हम इसको ये हमें बहुत तेज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है हम रोज आने जाने के लिए कहीं ना कहीं हम इनका प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह खुद जाने के लिए या फिर अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और सबसे ज्यादा हम अपने डेली रूटीन में लैंड ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं जैसे बाइसिकल कार मोटर बाइसिकल कार स्कूटर्स ऑटो रिक्शाज ठीक है साइकिल्स एक्सेट्रा तो सबसे ज्यादा हम इनका यूज करते हैं तो अब मैंने आपको इसका दिया है एक होमवर्क होमवर्क में क्या करना है अपने मैचअप मिलान करने हैं देखो जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट को अब आप कुल देखो शिप बोट एयरप्लेन हेलीकॉप्टर कार बस ट्रेन में से जो भी लैंड ट्रांसपोर्ट आपको लगता है आपने क्या करना है इसको उठा के उसके साथ मिलान कर देना है जैसे पहले का उत्तर ये तीसरा है तो आपने इसके साथ क्या कर दिया मिलान कर दिया और अगर आपको मिलान नहीं करना कि घिचपिच होचपॉच मत जाती है तो आप क्या करो मिलान रहने दो मिलान मत करो ठीक है आप मिलान करने की बजाय आप मिलान करने की आप मिलान रहने दो मिलान की वजह आप साइड में यहां पे नंबर लिख सकते हो जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट का आंसर अगर वन है तो आप यहां पे वन लिख दो मैं समझ जाऊंगी कि ये फर्स्ट का आंसर है ठीक है और टू का आंसर जो होगा वहां पे वो लिख दो मेरे को पता लग जाएगा कि इसका आंसर वो है तो आप वो करने की बजाय मिलान करने की बजाय ऐसे भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये अपना होमवर्क है इनके साथ मिलान करना जो जो आपको इनके साथ रेलीवेंट लगेंगे ठीक है नेक्स्ट थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स